यमुना ट्रॉफी 2019 के पहले रक्षक कप का उद्घाटन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर संदीप गोयल के द्वारा टॉस कराकर किया गया। आपको बता दें, रक्षक कप का पहला मुकाबला दिल्ली पुलिस की ईस्टर्न रेंज और साउदर्न रेंज के बीच खेला गया। देखिए इस मैच के बारे में संदीप गोयल ने क्या कहा। ये जो रक्षक कप है, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है जो कि एक यमुना ट्रॉफी जो कि पर्यावरण की जागरूकता के लिए रखी गई है, उसका एक हिस्सा है। और इस रक्षक कप में पुलिस की टीम्स को भी खेलने का मौका मिल रहा है, तो इसका ये एक बहुत अच्छा एक पहल है, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण के लिए जागरूकता में हम हिस्सा ले सकेंगे, बल्कि इसके अलावा हमारे पुलिसकर्मी जो कि बहुत लंबी ड्यूटी आवर्स करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा आउटलेट रहेगा। और खेलकूद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही अच्छा रहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये रक्षक कप एक बहुत अच्छा एक इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेट करके पुलिस को भी बहुत फ़ायदा होगा और एक अच्छा मैसेज दे सकेंगे। सर, पर्यावरण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? पर्यावरण के लिए तो हर किसी इंसान को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, चाहे वो पब्लिक का नॉर्मल आदमी हो या कोई किसी भी व्यवसाय में हो। हर कोई अगर पर्यावरण का ध्यान रखे तो हम एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस मुकाबले में साउथर्न रेंज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाए, जिसके जवाब में ईस्टर्न रेंज की टीम ने इस मुकाबले में बिना कोई विकेट खोए 93 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस मैच में ईस्टर्न रेंज की ओर से पंकज सिंह ने बिना आउट हुए 60 रन बनाए। दोनों टीमों की ओर से शानदार मैच खेला गया। देखिए दोनों टीमों के कप्तान और खिलाड़ियों ने रक्षक कप और मैच के बारे में क्या कहा। यमुना ट्रॉफी का रक्षक कप खेला गया, पहली बार दिल्ली में ऐसा आयोजन किया गया है। हमारे साथ डीसीपी ईस्ट पंकज सिंह हैं, सीधे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज के मैच के बारे में? एक तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है इसको, और दोनों टीम्स ने काफी एंजॉय किया अपना मैच, हम लोगों ने भी काफी एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण के ऊपर और साथ ही यमुना को स्वच्छ बनाने के ऊपर? हम लोग कमिटेड हैं एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करती है, जो भी सभी एजेंसी रिक्वेस्ट करती है अपना पूरा सहयोग देते हैं। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्वच्छ भारत अभियान जो चला बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पर्यावरण के मद्देनजर हमारी नदियों की साफ सफाई रखने के लिए, अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इस कप के माध्यम से, और खेल की भावना को भी प्रोत्साहन मिले ऐसी हमें कामना है, ऐसी हमारी कामना है। और आज भी मैच बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छे माहौल में पूरा हुआ है पहला मैच। दूसरा मैच थोड़ी देर में इसी कप का शुरू होगा, और शानदार हाफ सेंचुरी के बाद पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, उनकी बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस कहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन में कमी रही, वो साफ झलक रही है मैच के परिणाम में। इसी के साथ जीतने वाली टीम के कप्तान ने बहुत अच्छी पारी खेली, में काफी सेटबैक लगे पर उन्होंने 50 रन बनाए टोटल, तो जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। लोगों को हमारा यही मैसेज है सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो ये मैच का आयोजन हुआ है इसमें पार्टिसिपेट जो कर रही है पुलिस फोर्सेज की डिफरेंट टीम्स, उनकी तरफ से भी नजर आ रही थी पर्यावरण का ध्यान रखें, मुझे नहीं लग रहा कि बॉल के तरीके चीजों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक प्रदूषण फैलाने से बचें। अगर संभल के बहुत ही बढ़िया मैच था, और आपने देखा कि जिस तरह से शुरुआत हुई आज बहुत अच्छा खेली, और इससे एक अच्छा संदेश जा रहा है और फिट भी रहते हैं प्लेयर्स, इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। सर अलग अलग रेंज के बीच में मैच हुआ है, कहीं ना कहीं से सामंजस्य भी बैठता है आपस में तालमेल? बिल्कुल, नो डाउट, वैसे कभी मिलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन इस तरह से क्योंकि ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, बाकी इंस्पेक्टर्स भी आ रहे हैं और स्टाफ भी आता है, उससे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जरूर है। सर आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्रदर्शन के बारे में, टीम के बारे में, कितनी प्रैक्टिस रहती है मैच? इतना टाइम तो नहीं मिलता है कि अच्छा प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन आपने जैसा देखा कि सभी लोगों ने अपनी अपनी 100% दिए, और मैच का जिस तरह से आपने देखा कि बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई, सभी लोग डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं, बहुत आनंद इसमें आया सब लोगों को, बहुत मजा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को यमुना के प्रति और पर्यावरण के प्रति?
यमुना जी को स्वच्छ रखें, और अभी तो स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है उस पे जो है वो ज़्यादा स्वच्छता पे ध्यान दें, ईस्टर्न बैंक के खिलाड़ी सामने चले जाएं, और निश्चय ही ये उनको प्रोत्साहित करेगा अच्छा काम करने के लिए, उनका स्ट्रेस कम होगा, और इस तरीके से मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म पुलिस कर सकती है। सर, इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल पाने से कहीं ना कहीं फिटनेस भी प्राप्त होती है आप लोगों को? जी बिल्कुल सही बात है, हमें जैसे बीइंग पुलिस ऑफिसर वी शुड ऑल नीड टू बी फिट, और ये एक ऐसा अवसर भी मिलता है यहाँ पर फील्ड में आने के बाद कि आपकी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। सर, अलग अलग रेंज के बीच में ये मैच किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इससे एक सामंजस्य भी बैठता, तालमेल निश्चय बिल्कुल, अलग अलग रेंज के जब ऑफिसर्स यहाँ आते हैं तो आपस में मुलाकात होती है, दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य बैठता है और मैत्री भाव भी बढ़ता है। सर, आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार प्रदर्शन रहा आपकी टीम के द्वारा। हाँ, हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी बहुत अच्छी टीम थी, और उनमें से अधिकांश जो प्लेयर थे वो फिट थे, और पिछले एक दो दिनों में उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी तो आज देखने को मिला। हालांकि सदर्न रेंज के प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पर उनके जो शुरुआती विकेट गिर गए तो वो लोग उससे उभर नहीं पाए। बॉलिंग में ज़रूर उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, पर हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत एक अभियान के बतौर चल रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसे स्वच्छता अभियान को जितना पॉपुलर किया है, इसी क्रम में आज यहाँ यमुना जो ट्रॉफी हो रही है, यमुना स्वच्छता को लेके राजीव निशाना जी जो ट्रॉफी कर रहे हैं, ये उनके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और ये चेतना जितनी बढ़े उतना अच्छा है। तो बहुत अच्छी पहल है, और इससे एक तो बहुत क्लियर मैसेज हर जगह जाता है, और ये 82 का स्कोर सभी लोगों को इसका भविष्य के बारे में जो है इसमें काफ़ी गंभीरता, और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस मामले में जो है अग्रिम जो है स्टेप लेके लोगों में एक मैसेज देने का प्रयास किया है। ये बहुत आवश्यक है भविष्य के अगले बच्चों के लिए कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें, जल को हमने सुरक्षित रखें, और लंबी आयु। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसके जरिए हम लोग सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं एक दूसरे। ये देखिए, क्रिकेट ही सबको क्लोज लाता है, तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा जिसने भी, जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। समाचार वार्ता के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।